हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर इन बॉम्बे और काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि कलकत्ता कैसे बना था, मद्रास कैसे बना था, आप इस वीडियो में नोटिस करेंगे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बॉम्बे कैसे बना, राइट? तो आर्किटेक्चर इन बॉम्बे इसलिए नाम है क्योंकि हम फोकस जो रखेंगे अपना, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो आर्किटेक्चर पे रहेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल पैलेस और डिफरेंट बिल्डिंग्स जो आपको बॉम्बे में दिखती हैं वो कैसे बनी, क्यों बनी, रीजन क्या था, वो सब चीजें देखेंगे। और उनका जो आर्किटेक्चर है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, जो मेरे मुंबई के दोस्त हैं उनको काफी अच्छा लगेगा ये लेक्चर, और बाकी सबको भी अच्छा लगना चाहिए। एंड मौका मिले तो मुंबई जरूर विजिट करिए, ब्यूटिफुल सिटी इन इंडिया। चलिए बिगिन करते हैं। तो बॉम्बे बॉम्बे के बारे में स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इफ वन वे ऑफ रियलाइजिंग दिस इंपीरियल विजन वॉज थ्रू टाउन प्लानिंग, द अदर वॉज थ्रू एम्बेलिशिंग सिटीज विद मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने टाउन प्लानिंग देखा था, कलकत्ता में बना था, और यह मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स जो हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बॉम्बे में देखेंगे आपको, राइट? वर्स बॉम्बे लिखना, मुंबई लिख के आ गए तो मार्क्स गए। मैं मुंबई इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट में जब बात कर रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं बॉम्बे ही वर्ड यूज करूंगा, राइट? मुंबई लिख के नहीं आना, बॉम्बे लिख के आना जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, ठीक है? बिल्डिंग्स इन सिटीज कुड इंक्लूड फोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कॉमेमोरेटिव टावर्स, कमर्शियल डेपो और इवन डॉक्स एंड ब्रिजेस, राइट? तो ये सब तो बिल्डिंग्स में आता है, ये सब जो चीजें हैं, और आपको दिखेगा ये सब डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में और सॉरी बॉम्बे में, ठीक है? ऑल्दो प्राइमरीली सर्विंग फंक्शनल नीड्स लाइक डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स, दीज वर रियली सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो आपको दिखेगा कि बिल्डिंग्स वहां बहुत बढ़िया बढ़िया बनाई है। आप जैसे विजिट करोगे ना आज का मुंबई, तब का बॉम्बे, तो आप देखोगे साउथ बॉम्बे जो जगह है, आज भी उसको साउथ बॉम्बे SOBO कहते हैं, आप विजिट करोगे सोबो है ना, तो आप वो विजिट करोगे एरिया, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये क्या आ गया, डिफरेंस है, एरिया डिफरेंस ही फील आएगी। और एक और चीज नोटिस करना दोस्तों, मुंबई में फ्लड आता है आप सबको पता है, साउथ बॉम्बे में फ्लड नहीं आता यार, है ना? आता है तो थोड़ा सा पानी भर जाता है, भरता ही नहीं पानी। क्या रीजन है? उसका रीजन है ये लेक्चर में आपको दिखेंगी चीजें, टाउन प्लानिंग, ठीक है? ऐसे टाउन प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही स्ट्रक्चर बनाना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि समुद्र के पास है वो भी है, ठीक है? दे वर ऑफन मेंट टू रिप्रेजेंट आइडियाज सच एज इंपीरियल पावर, नेशनलिज्म एंड रिलीजियस ग्लोरी। इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, इंपीरियल पावर दिखाना थी, अंग्रेजों को दिखाना था कि देखिए हमारा सिटी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। नेशनलिज्म, यहाँ पे नेशनलिज्म अंग्रेजों का नेशनलिज्म भी आता है, साथ साथ में इंडियन नेशनलिज्म भी आता है, जैसे ताजमहल पैलेस टाटा, ठीक है, टाटा ने बनाया था, और वो जब बना तो अंग्रेजों को देखा कि हमसे भी कोई बेहतर जगह बना सकता है, राइट? और इंडिया का एक प्राउड फीलिंग थी ताजमहल पैलेस में। विजिट करिएगा ताजमहल पैलेस, ताजमहल पैलेस वही है जो इसमें अनफॉर्चुनेटली मुंबई में जब अटैक हुए थे 2008 में, लास्ट बिग टेरर अटैक इन इंडिया, तो वो ताजमहल पैलेस में हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और काफी सैड इंसिडेंट था हमारे लिए, लेकिन हमने अच्छे लेसन लर्न करे। एनीवेज, तो नेशनलिज्म में आपको इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिटिश नेशनलिज्म भी आता है। रिलीजियस ग्लोरी में हमें दिखता है कि रिलीजियस ग्लोरी आपको दिखेंगी यहाँ पे, कि आपको दिखेगा क्रिश्चियनिटी पे भी फोकस्ड है काफी चीजें, काफी बिल्डिंग्स उस बेसिस पे बनी हुई है, राइट? सो लेट अस सी हाउ दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड इन द केस ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे जो है वो सात आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे दिल्ली को भी बोलते हैं सात छोटे छोटे सिटीज से मिलकर बना है। एज द पॉपुलेशन ग्रू, द आइलैंड्स वर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट मोर स्पेस एंड दे ग्रेजुअली फ्यूज्ड इनटू वन बिग सिटी, राइट? बॉम्बे वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया, और अभी भी है कमर्शियल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल, जो वर्ड यूज करना चाहो। तो कमर्शियल से कहने का मतलब है कॉमर्स, मतलब ट्रेड वेड ज्यादा होता था, फाइनेंशियल मतलब अब पैसा वहां से चलता है। साउथ बॉम्बे आप जाओगे आज भी, RBI की बिल्डिंग, इसकी BSC की बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखेंगी आपको, वानखेड़े स्टेडियम भी वही है। एज द प्रीमियर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? तो मुंबई वेस्ट वेस्ट में आता है, करेक्ट? उस साइड से आप समझ सकती हो कि अफ्रीका से ट्रेड, यूरोप से ट्रेड, अरेबियन कंट्रीज से ट्रेड, तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हाफ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया पास थ्रू बॉम्बे। नोट कर लो डाटा, डेटा ये 19th सेंचुरी के खत्म होते होते
आधे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वर्ड यूज किया जाए, वही बॉम्बे से चल रहा है भारत का। वन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ दिस ट्रेड वाज ओपियम, ठीक है, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो ओपियम ट्रेड में अंग्रेज बड़े नंबर वन थे और चाइना में खूब ओपियम भेजी है, ओपियम वॉर्स भी हुई है चाइना में, ठीक है। ओपियम ना होती तो चाइना शायद पहले आजाद हो जाता, ओपियम ने चाइना का थोड़ा हवा निकाल दी, ठीक है, बच के रहना चाहिए हमें भी। इंडियन मर्चेंट्स एंड मिडल मैन सप्लाइड एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रेड एंड दे हेल्प इंटीग्रेट बॉम्बे इकोनॉमी डायरेक्टली टू मालवा, राजस्थान, सिंध, वेयर ओपियम वॉज ग्रोन। तो यहाँ पे ओपियम ग्रोन होती थी और चाइना में भेज दी जाती थी। अंग्रेज खुद नहीं खाते थे ओपियम, ठीक है, खिलाते थे दूसरे कंट्रीज को। दिस कोलेबरेशन विद द कंपनी वॉज प्रॉफिटेबल एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। आप देखिए यहाँ पे इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो उस टाइम में ग्रो हुई, आज भी वो मर्चेंट कम्युनिटीज हैं, काफी पारसी लोग हैं, तब ग्रो हुए, आज तक सक्सेसफुल है। बॉम्बे कैपिटलिस्ट केम फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, जो आपको यहाँ पर नाम देखे, पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी मुस्लिम्स, गुजराती, बनिया, भोरा, भोरा भी मुस्लिम्स की में ही आते हैं लेकिन काफी डिफरेंट, टोपी वोपी जो लगाते हैं, ज्यू एंड अर्मेनियन। तो देखो डिफरेंट ये कम्युनिटीज ग्रो आपको दिखेगा करेंगी। एज यू हैव रेड इन चैप्टर नंबर 10, व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्टेड इन 1861, कॉटन फ्रॉम द अमेरिकन अमेरिकन साउथ स्टॉप कमिंग इन टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो अमेरिकन साउथ वर्ड यूज करा है दोस्तों वहां पे, इसका रीजन ये है दोस्तों क्योंकि जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी 1861 में, उस टाइम अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, राइट। तो वो जो वॉर हुई थी उस टाइम में साउथ वर्सेस नॉर्थ के बीच में हुई थी वो वॉर, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो साउथ जो था और नॉर्थ जो था, नॉर्थ, ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो गया था कि साउथ बोल रहा था मैं अलग हो जाऊंगा अमेरिका से, ठीक है, छोड़ के चले जाएंगे, सीसीट। इसमें अब्राहम लिंकन का काफी इंपॉर्टेंट रोल आया, ठीक है, और उन्होंने दोनों को यूनाइट कराया। 1865 तक वॉर खत्म हो गई थी। तो साउथ इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि साउथ साउथ ने बोला कि अब हम अपने हैं, ठीक है। तो स्लेवरी का वैसे इशू था, साउथ जो था वो स्लेव, एस से स्लेव, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो लोगों को समझा देता हूँ, नॉर्थ बोलता था कि हम फ्री हैं, स्लेवरी हमारे में बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये एक सिन है। तो साउथ इसलिए वर्ड वहां लिखा है, अमेरिकन साउथ से कॉटन आना दोस्तों बंद हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में, और जब कॉटन आना वहां से बंद हो गया था तो बॉम्बे का खूब फायदा हुआ था, डेक्कन का खूब फायदा हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। उसके बाद फिर डेक्कन राइट्स हुए थे, याद आ गया या नहीं, वरना लेक्चर फिर से देख लो। दिस लेड टू एन अपसर्ज ऑफ डिमांड फॉर इंडियन कॉटन ग्रोन प्राइमरीली इन द डेक्कन, ये हम देख चुके हैं और मैंने अभी भी बताया। वंस अगेन इंडियन मर्चेंट्स एंड मिडल मैन फाउंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, काफी फायदा हुआ इंडियंस का, काफी बैंक्स बना दिए उन्होंने, अपनी अपनी कंपनियां खोल दी। 1869 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई, सुएस कैनाल बनी, ठीक है, ओपन हुई। सुएस कैनाल इजिप्ट से जो जा रही है, अभी आपको याद होगा एक शिप फंस गया था, टेढ़ा होके फंस गया था ना, आपको पढ़ा होगा न्यूज में, है ना, तो बड़ा नुकसान हुआ था, लाखों करोड़ होगा अभी रिसेंटली। सुएस कैनाल के बनने से दोस्तों क्या हुआ कि यूरोप से अगर किसी को आना है तो पूरे के पूरे अफ्रीका से घूम के आने की जरूरत नहीं है, अगर ये यूरोप है तो ऐसे घूम के आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ से ही आ जाइए रेड सी से होते हुए ना, ऐसे तो आप देख ही रहे हो रेड जो है उसका डिस्टेंस कितना कम है ब्लू से। तो स्वेज कैनाल बनने से दोस्तों सीधा सीधा ये फायदा हुआ था, और स्वेज कैनाल के बनने से भारत का भी खूब फायदा हुआ, और आपको दिखेगा कॉटन ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गई। तो 1869 में स्वेज कैनाल बनी एंड दिस फर्दर स्ट्रेंथन बॉम्बे इज लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, समझ ही सकते हो यूरोप से कनेक्टिविटी काफी क्लोज हो गई, ठीक है। बॉम्बे गवर्नमेंट एंड द इंडियन मर्चेंट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर बॉम्बे अर्ब्स प्राइमा इन इंडिस, अ लैटिन फ्रेज मीनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, राइट। By the late 19th century, Indian merchants in Bombay were investing their wealth in new ventures such as cotton mills. तो देखिए इतने अमीर हो गए, अपनी मिल्स बना ली, ठीक है। They also patronized building activity in the city. ऐसी बना ताजमहल पैलेस भी, ठीक है। As Bombay economy grew from the mid 19th century, there was a need to expand railways and shipping and develop the administrative structure. और आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सबसे पहले ट्रेन भी बॉम्बे से थाने चली थी 1850, कब कमेंट सेक्शन में लिखिए। Many new buildings were constructed at this time. These buildings reflected the culture and the confidence of the rulers. यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा अंग्रेजों ने। The architectural style was usually European. ठीक है, आज भी विजिट करोगे आपको दिखेगा European style.
दिस इम्पोर्टेशन ऑफ यूरोपियन स्टाइल वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इम्पीरियल विजन इन सेवरल वेज। तो ये तीन वेज है, इनको अपने नोट्स में पढ़ लो और लिख लेना, ठीक है। तीन तीन आपको दिखेगा कि द इम्पोर्टेशन ऑफ यूरोपियन स्टाइल्स रिफ्लेक्ट द इम्पीरियल विजन इन सेवरल वेज। पहला, इट एक्सप्रेस द ब्रिटिश डिजायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री एंड दस टू फील एट होम इन द कॉलोनी। तो आप कहीं पे भी जाओ, अपने तरीके का घर बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसमें आपको एक फील आती है, निशे, ठीक है, निशे वर्ड यूज किया जाता है एनवायरमेंट में, फील आती है आपको, ठीक है, आप सब कुछ सही है, अच्छा है ना। तो इंसान कहीं भी जाए अच्छे से रहना चाहता है, तो अंग्रेज भी यही एक डिजायर रखते थे, राइट। सेकेंड, ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल्स वर वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपेरियरिटी, अथॉरिटी एंड पावर। दो यूरोपियन स्टाइल, एक इंडियन स्टाइल है, इंडियन स्टाइल की बिल्डिंग बन रही है, यूरोपियन स्टाइल है, फर्क आपको आज भी दिखेगा उस स्टाइल में, राइट। अच्छा स्टाइल तो था ही डेफिनेटली, क्योंकि मॉडर्निटी, साइंटिफिक चीजें वहां पे आगे आ गई थी यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन्होंने बोला अपना स्टाइल बनाते हैं, और वो रिफ्लेक्ट भी होगा, हमारी पावर भी दिखाएगा और दुनिया को भी दिखाएगा कि देखिए हमने कितना बढ़िया सिटी बना दिया है। थर्ड, दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क आउट द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर्स एंड द इंडियन सब्जेक्ट्स। उनको इंडियन से बड़ी चिढ़ थी, रेसिज्म। रेसिज्म तो आज भी है, आज भी है रेसिज्म। जर्मनी वगैरह विजिट करिए, काफी और कंट्रीज यूरोपियन विजिट करिए, उनमें बहुत अकड़ है यार, बहुत अकड़ है उनमें। तो उस टाइम में कितना होगा ये सोचिए, है ना। तो वो इंडियंस को कुछ समझते ही नहीं थे, बोलते थे हम गॉड्स चाइल्ड हैं, है ना। इंडियंस तो पता नहीं क्या है, कहाँ से आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग, गंदे संदे रहते हैं, बदबू आती रहती है, ये सब मतलब थिंकिंग थी। इनिशियली दीज बिल्डिंग्स वर एट ऑड्स विद द ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स। ग्रेजुअली इंडियंस टू गॉट यूज टू यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड मेड इट देयर ओन। तो ये जो बिल्डिंग्स थी पहले, तो अब उन्होंने बनाई, भारतीय देखते रहते थे, लेकिन भारतीय किसी से कम नहीं है ना, हम अच्छे से कॉपी कर लेते हैं चीजें, राइट, वी कैन कॉपी थिंग्स। तो हमने क्या किया, कॉपी कर लिया उनका स्टाइल। अब क्या, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बताओ, थर्ड पॉइंट कैसे आपका माना जाएगा। और काफी बार तो कॉपी करके हमने अच्छा भी बना दिया, और अच्छा भी बना दिया, एग्जाम्पल ताजमहल पैलेस, ठीक है। ब्रिटिश इन टर्न अडेप्टेड सम इंडियन स्टाइल्स टू सूट देयर नीड्स। तो देखिए सारे ब्रिटिशर्स मतलब बेवकूफ नहीं थे, वो देखते थे कुछ कुछ इंडियन जो स्टाइल है वो बढ़िया है, उसको हमें कैप्चर करना चाहिए। तो अंग्रेजों की एक अच्छी चीज ये थी, वो लर्न भी करते थे बड़ी जल्दी, ठीक है, ठीक है, अकड़ थी लेकिन वो लर्न भी करते थे। वन एग्जाम्पल इज द बंगलो विच वॉज यूज बाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन बॉम्बे एंड ऑल ओवर इंडिया। द नेम बंगलो वॉज ड्राइव फ्रॉम बंगला, अ ट्रेडिशनल थेस्ट बंगाली हट। तो बंगलो अपने अपने सेपरेट वो बंगलो बनाते थे, उन्होंने वही स्टाइल कॉपी करा जो बंगाल में कॉपी होता था, राइट। और वर्ड ये कहाँ से आया, बंगला, थेस्ट बंगाली हट। कॉलोनियल बंगलो वॉज सेट ऑन एक्सटेंसिव ग्राउंड विच एंश्योर प्राइवेसी एंड मार्क द डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन वर्ल्ड अराउंड। तो बंगलो सेपरेट सेपरेट बनते थे काफी डिस्टेंस पे, एक बंगला दूसरे बंगले से काफी डिस्टेंस पे होता था, प्राइवेसी रहती थी, पेड़ से छुपे रहते थे, राइट। लेकिन ये जो बंगलो है विच वॉज यूज बाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन बॉम्बे एंड ऑल ओवर इंडिया, इसका जो वर्ड है बंगाली हट से आता है, बंगला से, ठीक है। द ट्रेडिशनल पिच्ड रूफ एंड द सराउंडिंग वरांडा कैप्ट द बंगलो कूल इन द समर मंथ्स। तो ये एक स्टाइल था, गर्मी मैंने पहले ही बता दिया, अंग्रेजों को बहुत लगती थी, बचते थे। द कंपाउंड हैड सेपरेट क्वार्टर्स फॉर अ रेटिन्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो डोमेस्टिक क्वार्टर बताए वर्ड, तो ये देखिए हमने यहाँ वर्ड पढ़ा था ना पिच्ड रूफ, आई होप आपको याद होगा, उसके बारे में बताते हैं, आज भी होते हैं, अगर आईएएस वगैरह के आप घर में जाओगे तो सेपरेट होंगे बंगलोस इन द सिविल लाइन। सिविल लाइन्स में आपको पहले ही बताया था, सिविल लाइन्स जो है वो तो आप समझ लीजिए कि एक्सक्लूसिव क्लब्स हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लब्स हुआ करते थे और आज भी एक्सक्लूसिव है, आज भी अमीर ही लोग रहते हैं, कभी भी सिविल लाइन में जाओगे ना किसी भी सिटी के, तो आज भी अमीर लोग रहते हैं। बंगलोज इन द सिविल लाइन्स दस बिकेम अ रशियली एक्सक्लूसिव एनक्लेव इन विच द रूलिंग क्लासेस कुड लिव सेल्फ सफिशिएंट लाइफ्स विदाउट डेली सोशल कॉन्टेक्ट विद इंडियंस। तो इंडियंस से दूर रहना चाहते थे, एक रीजन ये भी था दोस्तों, उनका जो जेन्युइन रीजन था वो उनमें इम्यूनिटी भी कम होती थी, क्योंकि वो उस रीजन में पैदा हुए हैं, इंडियंस में इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होती थी, राइट। इम्यूनिटी ज्यादा क्यों है, मतलब ये कुछ वो बात नहीं है, मतलब ये साइंटिफिक रीजन है, इसके ट्रॉपिकल रीजन में पैदा हुए, हमारे डीएनए वैसे हो गए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, ये सब थ्योरीज आ जाती हैं। तो हमारी आदत बनी हुई है इस रीजन में रहने की, जैसे ज्यादा गर्मी हम बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा अपना, आपका कोई दोस्त जो बाहर खाता रहता है, बाहर का खाता रहता है, वो बीमार पड़ता नहीं, और आप
जो बाहर का नहीं खाते, एक बार बाहर का खाओगे आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बाहर का दोस्त है ना, उसमें इम्यूनिटी बन गई है। राइट राइट, तो वो चीजें इम्यूनिटी क्यों बन जाती है, वो साइंस में वैसे पढ़ते हैं। बैक्टीरिया उनमें पहले प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज पहले प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोविड हो गया, फिर से कोविड नहीं होगा, है ना? एक एग्जाम्पल ये, मतलब जनरली नहीं होगा, होने को हो सकता है, मतलब केयरफुल रहना आप। मतलब इमिजिएटली कोविड नहीं होगा, होने को मतलब होने को तब हो सकता है जब एंटीबॉडीज खत्म हो जाए। लेकिन कोई आदमी जिसको कोविड नहीं हुआ है, उस अगर वो वायरस के पास आया तो उसको तो कोविड होगा ही होगा। राइट, तो ये पॉइंट्स होते हैं, साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो अंग्रेज इसलिए बच के थोड़ा सा रहना चाहते थे इंडियन से। फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स थ्री ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वर यूज्ड, और हम तीन स्टाइल्स को देखेंगे। दो जो थे वो तो डायरेक्टली इंग्लैंड से इम्पोर्ट करे थे। टू ऑफ दीज वर डायरेक्ट इम्पोर्ट्स फ्रॉम फैशंस प्रिवेलेंट इन इंग्लैंड। फर्स्ट वाज न्यू क्लासिकल, और न्यू क्लासिकल वर्ड इंग्लिश में न्यू क्लासिकल लिख के आना, ये अच्छा लगता है और यही ज्यादा सही है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फ्रंटेड विद लॉफ्टी पिलर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लॉफ्टी पिलर्स बनाना। इट वॉज ड्राइव फ्रॉम आई स्टाइल दैट वॉज ऑरिजिनली टिपिकल ऑफ बिल्डिंग्स इन एंशियंट रोम एंड वॉज सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड रीअडेप्टेड एंड मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसा। रेनेसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब यूरोपियन में काला काल आ गया था, रोम खत्म हो गया था सिटी। ठीक है, रोम बहुत बढ़िया सिटी था, ब्रेक हो गया, टूट गया, ईस्ट रोम वेस्ट रोम बना, वो भी खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद एक काला काल आ गया था, मेडिवल पीरियड यूरोप में काला सीजन कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है। उस टाइम कुछ अच्छा नहीं हो रहा था वहां। ठीक है, बुरी बुरी जो स्टोरी पढ़ते हैं उसी टाइम की पढ़ते हैं हम जनरली, जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साइंस का जन्म हुआ। ठीक है, गैलीलियो ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। रिलीजन का जो बोलबाला है थोड़ा कम हुआ, इससे यूरोपियन का बोलते हैं फिर से उदय हुआ, री उदय, इसको बोलते हैं यूरोपियन रिनेसा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यूरोपियन रिनेसा जब हुआ तो ये रोम का जो स्टाइल था ये कॉपी किया गया, इसको न्यू क्लासिकल वर्ड यूज किया गया, कि क्लासिकल भी और नया भी है। ठीक है, तो वह सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड एंड रीअडेप्ट और यूरोपियन रिनेसा आपका बना। इट वाज कंसीडर्ड पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। द ब्रिटिश इमेजिन दैट अ स्टाइल दैट एम्बॉडीड द ग्रैंडुलर ऑफ इंपीरियल रूल इंपीरियल रोम कुड नाउ बी मेड टू एक्सप्रेस द ग्लोरी ऑफ इंपीरियल इंडिया। बोलते थे रोम जैसे खड़ा हुआ है ना, ऐसे हम भारत के जहाँ हम सिटीज में रहते हैं वैसे बनाएंगे, कॉलोनियल सिटीज। मेडिटेरेनियन ऑरिजिन्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर वर ऑल्सो थॉट टू बी सुइटेबल फॉर ट्रॉपिकल वेदर। तो ट्रॉपिकल वेदर के लिए भी ये आर्किटेक्चर सुटेबल था, गर्मी वगैरह कम लगती थी। टाउन हॉल जो है बॉम्बे में, ये इसी स्टाइल में 1833 में बना है। अनदर ग्रुप ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स बिल्ट ड्यूरिंग द कॉटन बूम ऑफ द 1860s वाज एल्फिनस्टन सर्कल, वो भी वहीं बना है, इसी स्टाइल में बना है। एग्जाम्पल नोट कर लेना, सब्सिक्वेंटली नेम्ड हॉर्नीमन सर्कल आफ्टर एन इंग्लिश एडिटर हु करेजियसली सपोर्टेड इंडियन नेशनलिस्ट। दिस बिल्डिंग वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉडल्स इन इटली। इटली, और इटली में ही है रोम। राइट, तो ये न्यू क्लासिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपने टाउन हॉल लिख देना, एल्फिंस्टन सर्कल या हॉर्निमल सर्कल, जो भी आपको नाम याद रहे। हॉर्निमन, इट मेड इनोवेटिव यूज ऑफ कवर्ड आर्केड्स एट ग्राउंड लेवल टू शील्ड द शॉपर एंड पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द फियर सन एंड रेन ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे रेन बड़ी खतरनाक होती है, तो उससे बचना। तो दोस्तों ये एल्फिंस्टन सर्कल है, नोट द पिलर्स एंड द आर्चेस ड्राइव फ्रॉम द ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर, ये है दोस्तों। राइट, एल्फिंस्टन सर्कल। उसके बाद ये पिच रूफ जो होता है, एक वर्ड यूज किया गया था ना, इज अ टर्म यूज बाय आर्किटेक्ट्स टू डिस्क्राइब अ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ आपने देखी होंगी ऐसे, है ना। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी लेस सेंचुरी पिच्ड रूफ्स बिकेम लेस कॉमन इन बंगलोज ऑल्दो द जनरल प्लान रिमेन द सेम। तो पिच्ड रूफ जो हमने देखा था वो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो अगला स्टाइल दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे वो न्यू गोथिक स्टाइल है। राइट, सो न्यू गोथिक के बारे में पढ़ते हैं। अनदर स्टाइल दैट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड वाज द न्यू गोथिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पिच्ड रूफ्स पॉइंटेड आर्चेस एंड द डिटेल्ड डेकोरेशन। अच्छे से डेकोरेशन करना है, हाई पिच्ड रूफ्स। हाई पिच्ड रूफ्स यहाँ देखिए बनी हुई है और इस तरीके से बना। गोथिक स्टाइल हैड इट्स रूट्स इन बिल्डिंग्स स्पेशली चर्चेस बिल्ट इन
नदर्न यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो दोस्तों हमने देखा था ना कि रिलीजियस इम्पैक्ट भी है, तो यहाँ पे आपको गोथिक स्टाइल में रिलीजियस इम्पैक्ट देखिएगा, चर्चेस से कॉपी पेस्टेड है स्टाइल। न्यू गोथिक और न्यू गोथिक स्टाइल वाज रिवाइव्ड इन द मिड 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। दिस वाज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इन बॉम्बे वाज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस स्टाइल वाज अडॉप्टेड फॉर बॉम्बे। तो इस टाइम में स्टाइल का फिर से आपका रीबर्थ हो रहा था वहां पर इंग्लैंड में। तो वही इंग्लैंड ने बोला कि यही हम बॉम्बे में भी बनाएंगे। एन इम्प्रेसिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स फेसिंग द सी फ्रंट इंक्लूडिंग द सेक्रेटरिएट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट वर ऑल बिल्ट इन दिस स्टाइल। ठीक है, तो देखिए अच्छी अच्छी चीजें बना के गए अंग्रेज। इंडियंस गेव मनी फॉर सम ऑफ दीज बिल्डिंग्स। तो देखिए इंडियन ने भी मनी दी, जैसे यूनिवर्सिटी हॉल वॉज मेड विद मनी डोनेटेड बाय सर कवस जी जहांगीर रेडी मनी अ रिच पारसी मर्चेंट। तो दोस्तों देखिएगा पारसी इसका दोस्तों हम जब पढ़ते हैं ना ये भारतीय रेनेसा में, इंडियन रेनेसा, जब भारत में आप कहो कि फिर से अकल आई या फिर से कहो कि साइंटिफिकली सोचा, रैशनली सोचना शुरू करा, तो उनमें पारसी लोग बड़े आगे थे दोस्तों। पारसी लोग आप बड़े आगे थे और वो आज भी आगे हैं, आपको फर्क दिखेगा। उनकी वुमेन भी काफी आगे हैं, मतलब इक्वलिटी है आपको वुमेन आगे से, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि पारसीस की काफी पैसा था, काफी मदद करी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर वाज सिमिलरली फंडेड बाय द बैंकर प्रेमचंद रॉय रॉयचंद एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर एज राजाबाई टार। इंडियन मर्चेंट्स वर हैप्पी टू अडॉप्ट द न्यू गोथिक स्टाइल सिंस दे बिलीव दैट बिल्डिंग स्टाइल्स लाइक मेनी आइडियाज ब्रॉट इन बाय द इंग्लिश वर प्रोग्रेसिव एंड वुड हेल्प मेक बॉम्बे इनटू अ मॉडर्न सिटी। तो देखिए दोस्तों भारतीय चाहते थे इंडिया भी सुधरे और वो समझते थे कि ब्रिटेन जो है वो हमसे काफी आगे है, समझते थे। ठीक है, आज भी समझ जाते हो, अब जैसे यूएसए है दोस्तों, है ना, आगे है हमसे टेक्नोलॉजी। हाँ हम भी आगे बढ़ रहे हैं बट काफी चीजों में यूएसए से आगे है, चाइना भी काफी चीजों में हमसे आगे है, दुबई है हमसे काफी चीजों में आर्किटेक्चर में आगे है। तो जो आगे है उनसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे लर्न करके हमें वो स्टाइल बनाना चाहिए यार, राइट। हाँ ये है कि अपनी चीजें भी देखनी है हमें क्योंकि हमारा कंट्री अलग है, राइट। जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स पास में ही इंडिया के लक्षद्वीप के, लेकिन वो आइलैंड्स देखिए, सब आइलैंड्स में इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ वेल डेवलप्ड है, वही हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में चीजें डेवलप्ड ही नहीं है, ऐसे अंडमान निकोबार डेवलप नहीं है। तो भारत में कुछ कुछ चीजें डेवलप नहीं है, तो जो डेवलप नहीं है उनको डेवलप करना चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए दूसरे कंट्रीज। तो ये जो लोग हैं ये भी लर्न करते थे, इसमें कुछ आप नेगेटिवली ना लें, आजकल काफी नेगेटिव भी व्यूज हो जाते हैं लोगों के, तो बट देवर पॉजिटिव, देवर इंडियंस। हाउएवर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल ऑफ द न्यू गोथिक स्टाइल इज द विक्टोरिया टर्मिनस। आ गया दोस्तों आपका, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस, ये फोटो भी बनी हुई है, द स्टेशन एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। तो विजिट करेंगे आप, आपको मजा आ जाएगा, ये बिल्डिंग है ना। तो ब्रिटिश सेक्रेटरिएट, ये दोस्तों ये तो ब्रिटिश सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग है, आपको ऐसी विक्टोरिया टर्मिनल जो है वहां की भी आपको ऐसी दिखेगी बिल्डिंग। बॉम्बे सेक्रेटरिएट डिजाइन बाय एच सेंट क्लियर विल्किंस एंड ड्रॉइंग फ्रॉम द बिल्डर 20 नवंबर 1875 की है। उसके बाद आपको सेम सेम है, एक अलग से यहाँ टर्मिनस बना हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा है द ब्रिटिश, ये विक्टोरिया टर्मिनस आगे दोस्तों, ठीक है, ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको, एक टावर अलग से बना हुआ है स्टाइल। तो ये स्टाइल है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन डिजाइन बाय F.W. स्टीफंस, राइट। इन्वेस्टेड अलॉट इन द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन इन सिटीज सिंस दे वर प्राउड ऑफ हैविंग सक्सेसफुली बिल्ट एन ऑल इंडिया रेलवे नेटवर्क। तो एक प्राउड वाली फीलिंग थी, आप समझ सकते हो, एक बड़ी चीज तो थी। इंडिया इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू गेट रेलवे, ठीक है, और जो अच्छा खासा वो बना के गए रेलवे नेटवर्क, वही चल रहा है आज तक। अब इंडिया में डेवलपमेंट करना बड़ा टफ चीज है ना, थोड़ी गरीबी दूर करो, ये करो वो करो, काफी कुछ चीजें थोड़ी स्लो हो जाती हैं डेमोक्रेसी में ना, वैसे भी चीजें स्लो हो जाती हैं करना ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ट्राई नहीं करी, सबने अपनी अपनी ट्राई करी, सबने अपनी अपनी बेस्ट दी, लेकिन चीजें यहाँ पे थोड़ी स्लो चलती हैं, है ना। तो वो है, अब तो इसमें कोई ऐसा नेगेटिव व्यू नहीं लेना कि हाँ भाई पिछले 60-70 साल में कुछ नहीं हुआ, 80 साल में कुछ नहीं हुआ, इंडिया में कुछ होता ही नहीं है, वो नेगेटिव व्यू भी मत रखिएगा। क्योंकि आप अगर हमारी लिटरेसी रेट देखें, आप हमारी देखें डेमोक्रेसी देखें, आप देखें इंडिया यूनाइटेड है, आप देखें हम मिलिट्रीली भी स्ट्रांग हैं, तो इन सब में भी पैसा जाता है। जब इन सब चीजों में पैसा जाता है तो आपका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है एंड वी आर ग्रोइंग, राइट।
रेलवे बड़ा अच्छा नेटवर्क बनाया। एस हाँ ग्रो दीज बिल्डिंग्स डोमिनेटेड दी सेंट्रल मुंबई और बॉम्बे स्काईलाइन। देखिए मैं मुंबई वर्ड यूज कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, बॉम्बे बॉम्बे है ना। और जब प्रेजेंट में तो लिखो तो मुंबई लिख के आना, ठीक है, तब बॉम्बे मत लिख देना। देयर यू तो एज अ ग्रुप दीज बिल्डिंग्स डोमिनेटेड दी सेंट्रल बॉम्बे स्काईलाइन राइट। एंड देयर यूनिफॉर्म न्यू गोथिक स्टाइल गेव अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर टू द सिटी टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। आपको दिखेगा 20th सेंचुरी जब बिगिन होगी तो एक नया स्टाइल आएगा, न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप्ड विच कम्बाइंड द इंडियन विद द यूरोपियन राइट। दिस वॉज इंडो सैरासेनिक स्टाइल, ठीक है। इंडो वॉज अ शॉर्ट हैंड फॉर हिंदू एंड सरासन वॉज अ टर्म यूरोपियंस यूज टू डिजिग्नेट मुस्लिम्स। द इंस्पिरेशन फॉर दिस स्टाइल वॉज मेडिवल बिल्डिंग्स इन इंडिया विद देयर डोम्स, छत्रीस, 40 आर्चेस। तो ताजमहल देख लो आप फतेहपुर सीकरी देख लो, है ना, उनमें ये सब चीजें आपको दिखती हैं। और ये नहीं, हवा महल वगैरह देख लो जयपुर का, तो वहां भी आपको दिखती हैं चीजें। तो आप देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेडिवल स्टाइल जो इंडिया का था वो पिछड़ा हुआ था या ये था। देखिए इन वहां पे भी लर्न करें। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, स्टाइल में हमें थोड़ा सा उसमें रिवाइव करना होता है। रिवाइव से कहने का मतलब ये है कुछ कुछ चीजें चेंज करो और इम्प्रूव करो, जैसे ठंडक बढ़ाना, आर्किटेक्चरली उसको स्ट्रॉन्ग करना, मे बी हमें डबल डोम की जरूरत ना पड़े, है ना। वो कुछ कुछ चीजें जो मे बी आर्किटेक्चर का कोई स्टूडेंट है तो और अच्छे से बता सकता है। और तो मतलब पॉइंट ये है, मेरा कहने का मतलब ये कि नो स्टाइल इज बैड और गुड, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि हाँ जी पल्लवास का स्टाइल जो 700 800 800 सदी में था वो बिल्कुल बेकार है। हाँ, उसको रिवाइव करने की जरूरत है राइट। ओके, द इंस्पिरेशन छत्रीस वगैरह हमने पढ़ लिया। बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स इन पब्लिक आर्किटेक्चर द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट दे वर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो इस टाइम नेशनलिज्म बहुत पड़ रहा था दोस्तों, और उनको ब्रिटिशर्स को बोला जाता था आप एलियन हो, एलियन हो, बाहर जाओ, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रिटिश दिखाते थे हम लेजिटिमेट रूलर्स हैं। तो उनका एक डिसीजन, ये केयरफुल डिसीजन भी था कि इंडियन से हम एसोसिएटेड रहें। गेटवे ऑफ इंडिया बना दोस्तों स्टाइल इस टाइम में। बिल्डिंग द ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल टू वेलकम होम किंग जॉर्ज पांच एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। तो वहीं से वो आए थे और गेटवे ऑफ इंडिया पे वो आए थे और गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है राइट। इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। और इससे पहले दोस्तों ताजमहल पैलेस बना दिया था किसने? जमशेद जी टाटा ने, द इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा बिल्ड द ताजमहल होटल इन ए सिमिलर स्टाइल। तो उन्होंने भी जो स्टाइल फॉलो करा था वो इंडो सरासेनिक स्टाइल है, ठीक है। गोथिक स्टाइल नहीं है, न्यू क्लासिकल स्टाइल नहीं है, या और कोई स्टाइल नहीं है, इंडिया सरासेनिक। बिसाइड्स बीइंग अ सिंबल ऑफ इंडियन एंटरप्राइज दिस बिल्डिंग मींस स्टाइलिंग बिकेम पैलेस, ठीक है। दिस बिल्डिंग बिकेम अ चैलेंज टू द रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स एंड होटल्स मेंटेन बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश बोलते थे देखो हमारा कितने बढ़िया बढ़िया होटल है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। फिर टाटा साहब ने इतनी बड़ा ताजमहल पैलेस जब बना दिया तो अंग्रेज वहीं पे रुकने लगे थे। अंग्रेज बोलते क्या चीज है, वाह ताज है ना। तो वो चीज भी, तो इन द मोर इंडियन लोकेलिटीज ऑफ बॉम्बे ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ डेकोरेशन एंड बिल्डिंग प्री डोमिनेटेड। तो ऊपर जो एक वर्ड लिखा था ना रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स एंड होटल, वो चैलेंज करा था ताजमहल पैलेस ने। और ताजमहल जो वर्ड है वो कहाँ से उन्होंने लिया? वो ताजमहल जो आप देखते हैं ना हमारा आगरा में जो बना हुआ है वहां से चीजें ली गई हैं। तो सब एक दूसरे से चीजें लिंक्ड है, इंडियंस ने लर्न करा राइट। तो इन द मोर इंडियन लोकेलिटीज ऑफ बॉम्बे अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डेकोरेशन एंड बिल्डिंग प्री डोमिनेटेड। तो अब थोड़ा सा ये भी देख लेते कि इंडियंस जहाँ रहते थे उनका क्या हाल था। वो चौल थे दोस्तों, वहां ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगा नहीं, स्पेस कम थी, लोग ज्यादा थे। द लैक ऑफ स्पेस इन द सिटी एंड क्राउडेड लेड टू अ टाइप ऑफ बिल्डिंग यूनिक टू बॉम्बे। और ये बॉम्बे में यूनिक है, धरावाई धरावाई है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेना और चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। वो जो सबसे बड़ा चौल है पूरे दुनिया का शायद, या इफ नॉट पूरी दुनिया का देन एशिया का तो सर्टेनली, धरावी है या क्या वर्ड है, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो मेरे फ्रेंड जो जानते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो यूनिक स्टाइल बना जिसको चौल कहते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, मल्टी स्टोरेड सिंगल रूम अपार्टमेंट्स बने। इसको आप फिल्मों में भी देखते हो कि हाँ जी बच्चा वहां से छोटा सा उठ के आया और वो बड़े 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 मकान में बड़े बड़े उसमें पहुंच गया। ऐसे काफी लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे चौल से, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पहुंच गए, सक्सेसफुल रहे, तो ये चौल कहलाते हैं दोस्तों।
विद लॉन्ग ओपन कॉरिडोर्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. सच बिल्डिंग्स विच हाउस्ड मेनी फैमिली शेयरिंग कॉमन स्पेसेस हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेबरहुड आइडेंटिटी एंड सॉलिडेरिटी. तो ये एक पॉजिटिव चीज है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे लोग पास पास रह रहे हैं, हाइजीनिक नहीं है, प्राइवेसी तो है ही नहीं, थोड़ी सी बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन थोड़े पॉजिटिव ये हैं कि आसपास रहने में, जब आसपास रहते हैं तो भाईचारा बढ़ जाता है. हाँ लड़ाई भी हो जाती है काफी बार तो, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो एक बॉन्डिंग रहती है. हाँ हम सबकी फैमिलीज यहाँ रहती थी ये वो, तो बॉम्बे में वो भाईचारा बड़ा था और वो भाईचारा आपको आज भी दिखता है. उनका कल्चर काफी अच्छा है, मराठी कल्चर, मराठा महाराष्ट्र में आपको अच्छा कल्चर दिखेगा. तो मे बी एक ये हाँ जी जो मराठा नेशनलिज्म शिवाजी ने स्टार्ट करा था और फिर वो चलता गया चलता गया, तो वो ट्रेडिशन आपको दिखेगा अभी भी काफी स्ट्रांग है. एनीवे सब में कमियां अच्छा ही है और हमें सबकी अच्छाइयां ज्यादा देखनी चाहिए. तो ये दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग बॉम्बे की बनी है 1888 में, और ये किसने, इट इज डिजाइन बाय F.W. स्टीवेंस. नोटिस द फ्यूजन ऑफ ओरिएंटल एंड गोथिक स्टाइल. तो ओरिएंटल और गोथिक स्टाइल यहाँ पर आपको मिक्स दिख गया, ठीक है, गोथिक और ओरिएंटल. ये बॉम्बे चौल है, देखे आप, यहाँ लॉन्ग लॉन्ग वरांडेज हैं, एक एक रूम है, एक ही रूम में बहुत बहुत फैमिलीज रह रही हैं, और बिल्डिंग्स लंबी हैं, ठीक है, लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स है, लिफ्ट फिट होती नहीं, वॉक करके जाओ, कॉमन टॉयलेट्स, वो सब प्रॉब्लम्स, ठीक है. यहाँ एक क्वेश्चन देखा, चूज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग दैट यू एडमायर, लिस्ट इट्स आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स एंड फाइंड आउट अबाउट इट्स स्टाइल एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टाइल वाज अडॉप्टेड. तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू एंड टेक.